आप तो धर्म संसद का आयोजन करते हैं, तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं दो वीडियो से कि वो एक संत है? हम नाम प्रस्ताव रखते थे, उसमें जब सबकी सहमति होती तब हम बुलाते थे। उसके पब्लिक ने वहाँ से सब चिल्लाने लग गए, बोलिए 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 करके। तो उन्होंने वहीं मंच से मुझे डांट दी और साइड बैठने के लिए कहा। सब जितनी पब्लिक लगभग आई थी वो उन्हीं को सुनने के लिए वहाँ पर आई। वहाँ पे लगभग सभी थे, जैसे महंत रामसुंदर दास जी तो अध्यक्षता कर रहे थे मंच की, उसके अलावा प्रमोद दुबे जी भी थे, नंद कुमार साय जी भी थे, सचिन उपासनी जी भी थे। मुझे नहीं लगता कि आयोजन समिति की इसमें कोई गलती है। वहाँ पे लगभग पब्लिक जो आई थी कालीचरण महाराज को सुनने के लिए ही आई थी, और जैसे ही कालीचरण महाराज गए उसके बाद 75% पब्लिक जा चुकी है। सीएम भूपेश बघेल के भी आने का प्रोग्राम था, कालीचरण महाराज जी के वक्तव्यों के बाद उनका वहाँ पे आना कैंसिल हुआ। पूरे देश में जिस कालीचरण महाराज के वीडियो ने और भाषण ने खलबली मचा दी है, उस जो कार्यक्रम था उसका आयोजन जिसने किया था वो आज हमारे साथ मौजूद है, और वो तमाम सवाल जो आपके जहन में आते हैं हम कोशिश करेंगे कि जो धर्म संसद के आयोजन जिन्होंने किया था वो हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये नीलकंठ त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने ही उस धर्म संसद का आयोजन किया था। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आप उस जो धर्म संसद थी उसका आयोजन करने का उद्देश्य बताइए कि क्या उद्देश्य था। देखिए, धर्म संसद 2021 छत्तीसगढ़ का जो हमने आयोजन किया था 25-26 दिसंबर का किया था, जिसमें पूरे देश व प्रदेश के संतों को हमने आमंत्रित किया था। यहाँ पे हमारी एक आयोजन समिति का गठन किए थे। आयोजन समिति गठन में सभी हमने समाज के प्रमुख और राजनेता सबको एक साथ जोड़े थे, और ये आयोजन का जो उद्देश्य था कि संत सनातन धर्म का विस्तार कैसे किया जाए, कैसे सनातन धर्मियों को एकजुटता लाई जाए, क्योंकि वो जो अलग अलग खंड में बटे हुए हैं उनमें एकजुटता कैसे लाई जाए। सनातन धर्म क्या है, आज की युवा पीढ़ी सनातन धर्म नहीं जानती, वो केवल हिंदू 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 की रट लगाई रहती है, पर सनातन धर्म के बारे में जब तक वो नहीं जानेगी तब तक हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने सभी संतों के अगुवाही में यह आयोजन को किया कि सनातन धर्म क्या है ये युवाओं को बता सके, तो इसी उद्देश्य के साथ हमने ये आयोजन को किया था। इस जो धर्म संसद थी इसमें आपने कहाँ कहाँ के संतों को इनवाइट किया था? ये काशी से आए थे, हरिद्वार से आए थे, जबलपुर के थे, प्रयागराज के थे, अलग अलग जगह के दिल्ली के थे, फिर अपने प्रदेश के भी थे, तो इस तरीके से अलग अलग जगह प्रदेश के संत आए थे यहाँ। कालीचरण चरण महाराज को किसने बुलाया था? कालीचरण महाराज को हम ही नहीं बुलाया था वहाँ पे, क्योंकि उनका जो यूट्यूब में देखते थे शिव तांडव, महिषासुर मर्दिनी, फिर एक वीडियो मैंने उनका देखा था कि सनातन धर्म को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि सनातन धर्म क्या है, तो मुझे लगा कि ये युवाओं को बहुत अच्छे से इजीली समझा सकते सनातन धर्म क्या है। और फिर उसके बाद कालीचरण महाराज का हमने अपने संरक्षक, मुख्य संरक्षक जो अपनी आयोजन समिति थी उनके सामने नाम रखा कि एक ये संत है, उनका वीडियो भी दिखाया कि ये सनातन धर्म के बारे में ऐसा ऐसा बता रहे हैं, तो क्या इनको हम बुला सकते हैं, तो सबकी सहमति हुई। सहमति जब हुई उसके बाद फिर हमने उनको आमंत्रित किया था। अच्छा, उनके कुछ और वीडियो जैसे आप बोल रहे हैं यूट्यूब पे देखे थे, मैंने भी कुछ वीडियो देखे, तो उसमें वो लगातार कुछ धर्म को लेकर भी टिप्पणियां करते रहे, तो क्या वो वीडियो आपने नहीं देखे? वो वीडियो मैंने नहीं देखा था। मैं केवल बताया ना कि उनके जो वीडियो देखे थे, एक शिव तांडव, महिषासुर मर्दिनी, और एक सनातन धर्म को लेकर के एक उनका वीडियो था जो बहुत अच्छे से समझाया गया था। आप तो धर्म संसद का आयोजन करते हैं, तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं दो वीडियो से कि वो एक संत है और अच्छे से सनातन धर्म? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, देखिए कि संत का जो है चयन है वो हम भी इतना नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो अपने मुख्य संरक्षक संरक्षक थे उनके सामने हमने नाम रखा था। हम नाम प्रस्ताव रखते थे, उसमें जब सबकी सहमति होती तब हम बुलाते थे। सरकार का कहना है कि जो आयोजन करता है वो भी कटघरे में उनसे भी पूछताछ की जाएगी, तो क्या आपको कभी पुलिस ने पूछताछ के लिए? बिल्कुल, पूछताछ के लिए बुलाया, बयान भी हमने अपना वहाँ पर दर्ज कराया, पर मुझे नहीं लगता कि आयोजन समिति की इसमें कोई गलती है। आयोजन समिति पहले भी जितने भी संत आए थे उनको कार्यक्रम के पूर्व ही बता दिया गया था कि मंच से केवल सनातन धर्म के विषय में चर्चाएं की जाए,
ना कि राजनीति एवं अन्य धर्म के विषय में चर्चाएं हों। तो हमने पहले से ही सब चीज़ मना किया हुआ था सभी संतों को, और उसके बाद भी कालीचरण महाराज यदि वहाँ मंच से अगर बोलते हैं तो उनका व्यक्तिगत विचार है। उसमें कई नेता भी आए थे, तो कौन कौन सी पार्टियों के नेताओं को अपने आमंत्रण किया? सभी दल के नेता थे उसमें, और नेताओं को साथ में आयोजन में जोड़ने का कारण ही यही था कि अभी तक जो धर्म संसद होते आए वो सिर्फ संतों को लेकर के हुआ है। हमने धर्म संसद में संत, आम जनता और समाज के प्रमुख के अलावा नेताओं को जोड़ने का कारण ही यही था कि सनातन धर्म का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व ये शासन में बैठ करके करते हैं, तो सनातन धर्म के लिए ये भी आगे आए, तो उनको प्रेरित करने के लिए इस आयोजन में इनको जोड़ा था। अच्छा, जब ये कालीचरण जो महाराज हैं वो अपना ये भाषण वक्तव्य दे रहे थे, तब वहाँ पर कौन कौन मौजूद थे? जब वो वहाँ पे अपना भाषण, मैं बड़े हस्तियों में बात कर रहा हूँ कि कौन कौन सी हस्तियाँ वहाँ पे? वहाँ पे लगभग सभी थे, जैसे महंत राम सुंदर दास जी तो अध्यक्षता कर रहे थे मंच की, उसके अलावा प्रमोद दुबे जी भी थे, नंद कुमार साय जी भी थे, सचिन उपासनी जी भी थे, ऐसे लगभग सभी दल के नेता, बड़े बड़े नेता लोग वहाँ पे उस समय उपस्थित रहे। तो इसका किसी ने विरोध नहीं किया? महंत नहीं, मैंने स्वयं वहाँ पे जब वो राजनीति की चर्चा चालू की अपने वक्तव्यों में, तो मैं उस समय जो जहाँ आयोजन स्थल है वहाँ मैं गेट के पास में रिसीव कर रहा था लोगों को, तो जैसे ही उनका चालू हुआ तो मैं तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए आया था, और वहाँ पे इशारे से उनको नीचे से मैंने टोका था कालीचरण महाराज जी को कि राजनीति की चर्चाएं ना करें, पर वो उन्होंने वहीं मंच से मुझे डांट दी और साइड बैठने के लिए कहा। तो फिर उसके बाद पब्लिक ने वहां से सब चिल्लाने लग गए, बोलिए 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 करके, तो उसके बाद फिर मैं भी जाके साइड में बैठ गया था, तो मैंने टोका था उनको वहां पे। अच्छा, आपने टोका था, उसके बाद पब्लिक बोलने लग गई कि बोलिए बोलिए? हाँ, पब्लिक का वहाँ से आवाज़ आने लग गया कि बोलिए 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 करके, तो फिर ये बोलना अपना चालू। वहाँ पर जो मतलब पब्लिक मौजूद थी उनकी डिमांड थी कि कालीचरण महाराज और बोले? हाँ, उसमें ये था कि उनका वक्तव्य दें वो करके, सब जितनी पब्लिक लगभग आई थी वो उन्हीं को सुनने के लिए वहाँ पर आई थी। हाँ, हमने भी जैसे सुना कि जब कालीचरण महाराज जो है गांधी जी पर बोल रहे थे तो काफ़ी तालियाँ बज रही थी वहाँ। जी जी, तो मतलब ज़्यादातर पब्लिक उनके भाषण को पसंद कर रही। बिल्कुल, उनके वहाँ पे लगभग पब्लिक जो आई थी कालीचरण महाराज को सुनने के लिए ही आई थी, और जैसे ही कालीचरण महाराज गए उसके बाद 75% पब्लिक जा चुकी थी, तो ग्राउंड खाली हो गया था पूरा। तो क्या तनाव का माहौल बना उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिर रामसुंदर दास महंत जी ने जब अपना समापन के समय में अपना वक्तव्य मंच में आकर के देने लगे, तब उन्होंने उसका विरोध जताया, विरोध जता करके उन्होंने फिर धर्म संसद को अपने से अलग और पृथक किया, फिर ये तनाव का माहौल बढ़ा वहाँ से। ये जो धर्म संसद थी उसमें सीएम भूपेश बघेल के भी आने का प्रोग्राम था, तो क्या उसके बाद उनका प्रोग्राम रद्द हो गया था? जी, उनका 6 बजे के आने का था कि 6 बजे वहाँ पर आएंगे, पर वो उनके नहीं आने का हमको कोई ऐसा भी कारण पता नहीं चला कि किस कारण से उनका अचानक से कैंसिल हो गया था। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि कालीचरण महाराज जी के वक्तव्यों के बाद उनका वहाँ पे आना कैंसिल हुआ है। अच्छा, ये करीब कितने बजे कालीचरण महाराज का जो वक्तव्य हुआ था? लगभग 5:30 बजे उनका वहाँ वक्तव्य हुआ था, और 6 बजे सीएम का आने का। जी जी, 6 बजे सीएम साहब का आने का था, उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। जी जी जी। चलिए, तो आपसे पुलिस ने क्या पूछा इस बारे में? पुलिस ने वो जो बयान लिया कि कालीचरण महाराज जी से कैसे संपर्क हुआ, और उनको पहले किन किन के माध्यम से आपने संपर्क किया, और इनमें किन की सहमति रही बुलाने में, ये सारी चीज़ें, और कैसे आयोजन का क्या उद्देश्य था, आपने पहले सभी संतों को बताया था कि नहीं बताया था, सारा चीज़ का उन्होंने लिया। पेपर वर्क में भी जो जो हमारे थे सब पेपर वर्क उन्होंने जमा करवाए, सब हमने दिया पुलिस का। हमने बोला भी कि जो सहयोग रहेगा शासन प्रशासन का आयोजन समिति करेगी। आप कैसे देखते हैं ये पूरी धर्म संसद में जो बयान दिया उन्होंने, उसको आप कैसे देखते? देखिए, मंच से जो टिप्पणी उन्होंने की है महात्मा गांधी के, जो शब्दों का प्रयोग किया वो शब्दों का चयन गलत था। विरोध करने के तरीके होते हैं, शब्दों का चयन सही करना था, मंच से ऐसे शब्दों का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए था। और हमने जो वहीं पर खंडन भी किया उसका, कि आयोजन समिति खंडन करती इनके वक्तव्यों का। और जो इस्लामिक धर्म को लेकर बोला उन्होंने, किसने? उन्होंने जो भी बोला वही हमने कहा ना कि अन्य धर्म
और राजनीति के विषय में वहाँ पे चर्चाएं होनी ही नहीं थी, वहाँ केवल सनातन धर्म के विषय में चर्चाएं होनी थी, परंतु वहाँ पे जब ये करने लग गए तो हमने उनके वक्तव्यों का खंडन भी किया कि हम उनके वक्तव्यों को मान्य नहीं करते अपने मंच से। अच्छा, राजद्रोह की जो धाराएं लगाई तो आपको क्या लगता है कि सही है? राजद्रोह की धारा अगर मेरा व्यक्तिगत विचार अगर मानेंगे तो नहीं है सही, क्योंकि प्रदेश में भगवान राम को भी गाली दिया गया। भगवान राम को जब गाली दी गया तो जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, ये तो देश के रचयिता थे, वो ब्रह्मांड के रचयिता थे, तो उनके ऊपर राजद्रोह का धारा क्यों नहीं लगा? और ये एक संत है, संत के ऊपर राजद्रोह का धारा मैं कहीं से भी उचित नहीं मानता उनके ऊपर। प्रशासन अपनी कार्रवाई करे जो मंच से कहें, पर एक उचित कार्रवाई करे, ऐसा अनुचित कार्रवाई मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपको क्यों अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा था। मेरे लिए शुरू से पहले धर्म रहा, बाद में राजनीति रहा। मैं राजनीति में भी आया तो हमेशा अपने समाज, अपने धर्म के लिए, समाज के लिए काम करता रहा। तो जब देखा कि यहाँ पे कंटिन्यू चर्चाएं हो रही सभी नेताओं के बीच में कि ये एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, युवा राष्ट्रीय सचिव हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मिल करके ये आयोजन को करके सुनियोजित है, संत समाज और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ भी इस आयोजन में नहीं था। जितना सहयोग कांग्रेस का रहा उतना ही सहयोग बीजेपी का भी इसमें रहा। दोनों मिलजुल करके इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे थे। प्रमोद दुबे ने भी अच्छा सहयोग किया, जो सभी सभापति थे हैं, और अपने उपासने जी, उन्होंने भी अच्छा इसमें सहयोग किया। तो सब मिल करके आयोजन को सफल बना रहे थे। अगर ऐसा जो दुर्घटनाएं हुई मंच से महाराज कालीचरण महाराज के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, यदि वो वहाँ नहीं देते तो पूरे देश में बहुत अच्छा संदेश इस आयोजन का जाता कि ये पहला आयोजन है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस, हिंदुत्व का आयोजन, कि बीजेपी और कांग्रेस मिल करके इस आयोजन को सफल बनाया है। अब क्या इस धर्म संसद की जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बाद फिर आप कराना चाहेंगे? बिल्कुल, और उसके आगे और अच्छे से होगा, भव्य होगा, वृहद होगा, और करवाएंगे। आप देखिएगा, बहुत जल्दी हम घोषणा करने वाले हैं इसके कि कब होगा धर्म संसद का आयोजन। आप तो धर्म संसद का आयोजन करते हैं, तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं दो वीडियो से कि वो एक संत है? पब्लिक ने वहाँ से सब चिल्लाने लग गए, बोलिए 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 करके, उन्होंने वहीं मंच से मुझे डांट दी और साइड बैठने के लिए कहा। सब जितनी पब्लिक लगभग आई थी वो उन्हीं को सुनने के लिए वहाँ पर आई। वहाँ पे लगभग सभी थे, जैसे महंत राम सुंदर दास जी तो अध्यक्षता कर रहे थे मंच की, उसके अलावा प्रमोद दुबे जी भी थे, नंद कुमार साय जी भी थे, सचिन उपासनी जी भी थे। मुझे नहीं लगता कि आयोजन समिति की इसमें कोई गलती है। वहाँ पे लगभग पब्लिक जो आई थी कालीचरण महाराज को सुनने के लिए ही आई थी, और जैसे ही कालीचरण महाराज गए उसके बाद 75% पब्लिक जा चुकी थी। सीएम भूपेश बघेल के भी आने का प्रोग्राम था, कालीचरण महाराज जी के वक्तव्यों के बाद उनका वहाँ पे आना कैंसिल हुआ है।